तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बीम है, बीम के अंदर से जो लोहा है वो लोहा बाहर निकलते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जो अंदर का जो सरिया है, अंदर का जो सरिया है वो दिखने लगा है। तो इसका रीज़न है कि यहाँ पे जब बीम डाला गया है ना, RCC डाला गया है, तो उस टाइम पे ठीक से जो वाइब्रेटर जो मशीन होता है वो ठीक से डाला नहीं गया था। तो इसके वजह से आप देख सकते हैं कि अंदर की तरफ से कंक्रीट तो है, ठीक है, अंदर की तरफ से कंक्रीट तो है, लेकिन बाहर की तरफ से सरिया बाहर निकलते हुए दिख रहा है। तो इसके मतलब ये है कि यहाँ पे वाइब्रेटर ठीक से नहीं मारा गया है। तो इसका प्रूफ है, आप देख सकते हैं जहाँ पे भी बीम के अंदर अगर ठीक से वाइब्रेटर नहीं मारा जाएगा तो इसी तरह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह आपको जाली देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ इस तरह सरिया बाहर निकलते हुए दिखेगा। तो इसके रिगार्डिंग आप किस तरीके से इसे ठीक कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको जो सीमेंट है, सीमेंट लेके यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, पूरा प्योर सीमेंट, एक पार्ट आप सीमेंट लीजिए और एक पार्ट सैंड लीजिए, यानी कि 1:1 का जो मिक्सर है वो लगा के यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, वो मिक्स करके लगा दीजिए, वो मोटर जो वो वहाँ पे सबसे बढ़िया काम करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिलअप है, फिलिंग है, क्योंकि ये एक रिपेयर वर्क है, तो यहाँ पे 1:1 जो रेशियो है वो मेंटेन करना ज़रूरी होता है। ठीक है ना, तो इसी तरह अगर और भी कहीं पे भी आपको इसी तरह देखने को मिलता है तो आप एक ज़रूर कीजिए। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे क्या है ना, आने वाले टाइम पे यही से सरिया में अगर सरिया में जंग लगता है, एक जंग से मल्टीपल, मतलब एक से दो, दो से तीन, मतलब पूरा एक छूत की जो बीमारी होता है बिल्कुल उसी तरह काम करता है। ठीक है, सरिया का जो जंग है, जो रस्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे सीमेंट से पुताई कर देना चाहिए। ठीक है, फिल यहाँ पे करना होगा। ये एक्चुअली गलती है जो ठेकेदार है जो काम के टाइम पे जो गलती करता है, तो वही गलती का एक सबूत है, आप बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो हाँ सही है। तो एरिया के अपडेट आपको बहुत दिन बाद आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले भी बहुत सारा वीडियो अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, डे बाई डे हमने अपलोड किया है किस तरीके से बिल्डिंग पूरा नीचे से ऊपर, मतलब स्टेप बाय स्टेप बन के पूरा तैयार होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे प्लास्टर का काम चालू है, तो यहाँ पे प्लास्टर में पहले से क्या करना है कि यहाँ पे जो पानी है, पानी से पूरा मतलब भिगा देना है। ठीक है, प्लास्टर से पहले, इससे क्या होता है जो ईंट के अंदर है ना, ईंट क्या है, स्पॉन्ज की तरह पानी सोखता है। ठीक है, अगर आप ईंट में पहले से ही पानी दे के भिगो देते हो तो उसके बाद क्या होता है रिजल्ट, कि जो मोटर है, मोटर का जो पानी होता है वो मोटर का पानी ईंट एब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, मोटर का जो स्ट्रेंथ वो मतलब वो ठीक ठाक रहता है। अगर ऐसा नहीं करोगे, पहले पानी ईंट में नहीं दोगे एक दिन पहले, तो क्या होता है, अगर एक ढंग से मतलब पानी दिया उसके बाद प्लास्टर चालू कर दिया तो वहाँ पे प्रॉब्लम आता है, जो ठीक से सोख नहीं पाता है पानी। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मोटर का जो पानी होता है, ये जो मोटर का जो पानी होगा, मोटर का पानी ईट एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, जो मोटर का जो स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं आ पाएगा। ठीक है ना, तो ये गलती नहीं करना है। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही बात था रिगार्डिंग। चलिए मिलते हैं अगली और एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना हमारे साथ, बने रहना बिल्ड ट्यूटोरियल्स के साथ।